थैंक यू। अच्छा भाजी, जितनी खूबसूरत इनकी आवाज है, जितनी खूबसूरत ये है, बस एक ही दुख होता है कभी कभी सोच के कि शी इज मैरिड। भाजी आपको पता है नेहा को ना दिल्ली में लोग TUC कहते थे लड़के पहले। इसका क्या मतलब है नेहा? TUC मतलब टोट अंडर कंस्ट्रक्शन। मेरे स्कूल के सीनियर्स बोलते। अभी आपको TN भी नहीं बोलते कि टोटा निकला बम्ब। नेहा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल और आपने इतना अच्छा माहौल बनाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जोरदार तालियां नेहा के लिए। और आज के फ्लर्टिंग का फर्स्ट प्राइज आपको मिलता है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज थैंक यू नेहा। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां नेहा के लिए। जोरदार, बहुत बहुत खुशी। आजा जोरदार का लगता है ना। बहाना बहाना बहाना। सिक्योरिटी। मैं क्या करूं, छोड़ ही रही थी। ठीक है, फैन हो आप, कोई चक्कर नहीं। शर्म नहीं आती? एक तो सर्दियां, ऊपर से हाफ स्लीव चेक शर्ट कौन पहनता दिसंबर में? वो छोड़ो, चुम्मी बताओ कैसी थी। ये बड़ी आग लग रही है। That's my talent. अच्छा तुम लोग अभी क्या चाहिए? अभी निकलो टाइम पे। फ्लैटिंग होगी ना? या आप होस्ट हमें करन दो। कर लो, मेरी फिल्म आ रही, मुझे क्या करना है ये सब काम। वाह। यो सिद्धू सर, कैसे हैं आप यार? ठना ठन A1 देख के मजा आ गया, माहौल बन गया सर। नमस्ते सर। वाह, दलेर पाजी भी इधर है। बोलो तारा रा रा। बोलो तारा रा रा। मजा आ गया सर, आपको देख के इतना अच्छा लगे है। तारा रा रा जी, मेरे को एक बात बता, आप डोली सजा के किधर रखे हैं? ये क्या मतलब? नहीं, गाना नहीं सुन रहे आप लोग? वो गाना है मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी तो आप अपने नाम में लगा के रखे हैं, डोली किधर सजा के? ऐसा करते हैं यार। Well, it's a funny thing, man. I mean, I'm just saying it's cool. Anyways, Kapu Sharma. Yes. मैं कपू शर्मा को बताने के लिए आया है। मैं आपको बीट किया ब्रदर। Why? आपका एक फिरंगी आया, मैं दो फिरंगी लाया। इनको यहाँ पे क्यों लेके आया? यार मैं क्या करेगा यार, कल से सिद्धू पाजी मेरे को तंग कर रहे हैं, बोल रहे फिरंगी देखना है, फिरंगी देखना है। सिद्धू पाजी आप कल लेके आए, देख लो यार फिरंगी ऐसा होता है। ये इंटरवल के पहले का फिरंगी है, ये इंटरवल के बाद का फिरंगी है। अगर बाई चांस आपको इंटरवल देखने का है तो ये दोनों को देखो। ये दोनों इंटरवल है, इन लोग को देख के लोग सुसु करने जाते हैं। वैसे ही वैसे ही सिद्धू साहब से पूछ लो कि उनको इंटरवल से पहले की फिरंगी अच्छी लगी, इंटरवल के बाद की? दोनों दोनों। सुपरहिट फिल्म, सुपरहिट। ए इधर कुछ ज्यादा ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, तुम लोग जाओ यार। ए यू कैन गो। बाद में मिलता, लाइफ बना दूंगा। वैसे कपू शर्मा एक बात बताओ यार, क्या तुम यहाँ कैसे आया यार? अपना चैनल है, कभी भी आ सकते हम लोग। आशा? हाँ। तो 2 महीने तक क्यों नहीं आया यार? मैं कितना तुम्हारा इंतजार किया पता है तुमको? इंतजार नहीं होता, इंतजार होता है भाई। इंतजार वो लोग का होता है जिनका पक्का पता होता है कब आने वाला है, जिनका कोई आता पता नहीं होता है ना, उनका इंतजार नहीं होता है। आई लव यू कच्चा। ये मेरे को सिखा रहा है यार। कच्चा मुझे अपना तो पता, मैं कब आ रहा हूँ, तेरा मुझे नहीं पता कि तू आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। यार तुम तो गुस्सा हो गया यार। ऐसा मत करो भाई, मेरा 2 छोटा-छोटा बच्चा है यार। मेरे तो रोज पूछता है यार कि डैड तुम मॉम बन के काम पे कभी जाएगा? फिर तुम क्या जवाब देता? मैं कुछ भी इसके ऊपर है यार, बाकी अभी देखा जवाब देखेगा। कपू शर्मा, आपका फिल्म का ना सिद्धू सर ने 6 टिकट खरीदा। अच्छा, 6 टिकट विद फैमिली गए थे? कहना फैमिली के साथ नहीं यार,
खुद ऐसा बैठे थे, पांच लड़की लोग के लिए टिकट लिया, पीछे बैठाया। आदत से मजबूर है यार। ये फिल्म सब ऐसे देखते हैं, लेकिन कमाल का बात देखो यार, एकदम फिल्म देखते हुए भी हेल्थ कॉन्शियस बहुत रहते हैं ये। कैसे मतलब? नहीं नहीं, खुद ऐसा आगे जो एक फिल्म देख रहे हैं, पीछे जो पांच लड़के वो पीछे से अंगूर स्ट्रॉबेरी ऐसा खिला रहा है उनको। ऐसा स्टाइल में रहता है यार। लेकिन मैं आपको बता रहा है क्या, बहुत एंग्री है आपसे। क्यों? आपका फिल्म में हीरोइन का एंट्री होता है तो उधर आपने कोई जगह नहीं छोड़ा जिधर सिद्धू जी अपना शेड सुना सके यार। हीरोइन का एंट्री होएगा, पिक्चर को रोको, पॉज करो, सर ऑडियंस में बैठ के पड़ा ऐसे शायरी सुनाएगा, उसके बाद पिक्चर आगे बढ़ाओ। यार एक वीक के लिए अपना पिक्चर रोक दिया, सिद्धू सर के लिए नहीं रोक सकते? पर सिद्धू सर यार बहुत गुस्सा हुआ उसके बाद, वो बाहर निकलते हुए ना सिक्योरिटी वाले को फिर उन्होंने शायरी सुनाया, कोई आवत है कोई जावत है जो सबको रोके वो सिक्योरिटी कहलावत है, ऐसा बोला। वैसा एक बात बताओ यार, क्या फिरंगी फिल्म बनाया तुमने? हाँ। फिरंगी को नहीं लिया? तुम नकली हो, तुम नकली फिरंगी हो। मैं नकली फिरंगी नहीं है। तो तुम्हारा शो में जो लेडीज है ना वो नकली है। अब नया शो आएगा ना उसमें कोई नकली लेडीज नहीं होगी। तुम फिर से गुस्सा हो गया ऐसा। बड़ा दो छोटा छोटा बच्चा है यार, और एकदम छोटा वाला है वो तो मेरे से भी ज्यादा खाता है यार, ऐसा मत। अभी मैं समझ गया, मैं ऐसा बुरा बात बोलता है तुमको बुरा लगता है इसके लिए तुम गुस्सा होता है ना। अभी सब अच्छा बात करेगा। बहुत अच्छा अच्छा, तुम बहुत अच्छा आदमी है कपूर शर्मा, बहुत बड़ा आदमी है तुम, अमेजिंग बात है। इतना बड़ा होने के बाद भी तुम अपना दो गरीब दोस्त को नहीं भूला। वैसा भाई मैं आपको एक और बात बताऊं। हाँ हाँ सर, कपूर शर्मा, यस, आपके डायरेक्टर फ्रेंड है ना राजीव डिंगरा, ये आपको उल्लू बनाया सर। कैसे? मैं बता रहा है आपका फिल्म का जो पहला सीन है ना पूरा कॉपी मार रहा है। वो पहला वाला सीन है ना, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। अरे वो हर फिल्म में होता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ नया करो ना यार, सेम दूसरा दूसरा क्यों करते है? ये तो वही बात हो गया ना कि आप पछताए हो कि चिड़िया चुग गई के। इस बात का उस बात से क्या लेना देना मतलब? हाँ तो फिर वो बातें करो ना जिसका हमारे से लेना देना है यार, शो तो बंद करके बैठा है। कितना बार तुमको बताया, मेरा एक छोटा बच्चा है यार। अभी तो दो बता रहे थे तुम। तो एक अभी सो गया है यार, तुम्हारा जोक करने का उठा देगा क्या बच्चे को? अच्छा कच्चा बहुत हो गया अभी, चलो भागो। ऐसा कैसे? मैं कैसा जाएगा यार? मतलब मतलब क्या, मेरा सिंगर फ्रेंड्स आया है यार, मैं भी तो सिंगर है। तुम सिंगर? मैं यूट्यूब पे मेरा ऐसा गाना निकाला, ओ ओ वायरल हो गया। क्या बात कर रहा है, कितने कितने व्यूज आ गए उसके? नहीं नहीं मेरे को वायरल हो गया, 103 व्यू कर रहा मेरे को। ये पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा यार, लेकिन कोई बात नहीं यार। उसके बाद मैंने बैंड बनाया अपना। कहाँ कहाँ शो करता तेरा बैंड? नहीं शो नहीं करता यार, मैंने बैंड बनाया, मैं इधर स्टेशन पे बेचता है। चल गया कच्चा, तेरा मजाक खत्म हुआ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, मेरे पास बहुत मजाक है, मेरा कभी खत्म नहीं होता है। शो चालू तो करो यार। मेरे पास इतना मजाक है सर, ठोको ताली खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा मजाक खत्म नहीं होएगा। सर मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया है सर, फॉर म्यूजिकल पीपल, मैं म्यूजिक का गिफ्ट लाया है, ये आपके लिए है। अबे इसमें तो छेद है। हाँ तो क्या हो गया, बांसुरी में छेद छेद है तभी तो कुछ नहीं बोलता है तुम यार। तबला में एक छेद हो गया तुमको ऐसा, ये मेरे को मालूम है, बांसुरी पतला होता है ना इसके लिए। सब मोटा चीज से प्रॉब्लम है तुमको। कच्चा हाँ तो एक काम कर, तू निकल। क्या ऐसा कैसे निकल जाएगा? मैं चला जाएगा यार, लेकिन जब तक मेरा डांस वैंस नहीं निकलता है ना मेरे को मजा नहीं आता है। तो इसके लिए ऐसा कोई तड़कता भड़कता गाना लगाओ, इससे मतलब ऐसा पूरा फिरंगी का भी डांस निकल जाए यार। चलो ठीक है, तो अब बुलाते हैं उस आवाज को जिनके सुरों का कोई सानी नहीं है और जिनकी आवाज में देश की मिट्टी और सच्चाई की महक है। सो मेरी मुराद
दलेर पाजी। ये मजा आएगा यार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.